हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गौड़ और आप देख रहे हैं फेस टू फेस शो। दोस्तों आपने जयपुर की ज्वेलरी के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो कि जयपुर ज्वेलरी के मेकर हैं और जयपुर ज्वेलरी के किंग हैं। इनका नाम और इनका पहचान इतनी बड़ी है दोस्तों कि जयपुर में एक एक बच्चा इनको जानता है। ज्वेलरी के नाम पर आप अगर किसी से मार्केट में इनके बारे में पूछते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली विश्वास दिला सकता हूँ कि कोई ऐसा है ही नहीं जो इनके बारे में नहीं जानता। सर नमस्कार। सर एक बार आप छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को देंगे। जी, मैं देवी प्रकाश खंडाका, मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री सरदार अमल जी खंडाका, मेरी उम्र इस वक्त है 69 मेरी उम्र है, और मैं बचपन से जो है अपने दादी जी की सेवा में, माता पिता की सेवा में लगा हुआ हूँ और उनके संस्कार ही मेरे में है। वो कहते हैं जैसे मैं करता आ रहा हूँ। बचपन से ही मेरे व्यापार करने का शौक था। मैं करीब 15 साल की उम्र में इस चांदी सोने के व्यापार में आ गया था, तो आज तक मैं उस 15 साल की उम्र से करता करता ये मेरी 69 की एज हो गई, मैं फुल फ्लेश व्यापार कर रहा हूँ। मैंने अपने व्यापार में कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी और जब से करता आ रहा हूँ उसको बढ़ाता ही चला जा रहा हूँ। और मुझे मेरे पूज्य दादी जी का, माता जी का, पिताजी का, मेरे भाइयों का, फैमिली का मुझे पूर्ण आशीर्वाद है, इसलिए मैं बढ़ चढ़ के खूब बढ़िया काम कर रहा हूँ। ऐसा था 2005 में एक रात्रि बाज़ार लगाया था हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, तो रात्रि बाज़ार में हमारे जो हमारी जगह थी, हमारा मकान था, उसमें काफ़ी VIP लोग आए थे और काफ़ी हमने उसमें सजावट भी करी थी रात्रि बाज़ार के हिसाब से। तो उसमें हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति श्रीमान भैरू सिंह जी शेखावत साहब भी उस मकान में पधारे थे। उसके जस्ट बाद ही हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया साहब भी पधारे थे। वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ ही गाड़ी के अंदर हमारे जो फिल्म एक्टर है हेमा मालिनी जी भी उनके साथ गाड़ी में आए थे, और हमारे जयपुर कलेक्टर भी उस जगह पे आए थे। हमने उनका काफ़ी सम्मान भी किया, उनकी फ़ोटो भी आज तक हमारे पास में है और काफ़ी लोग उस मकान में आए गए। और रात्रि बाज़ार के हिसाब से सारी रात मेला चलता रहा, काफ़ी लोग जयपुर शहर के देखने के लिए उस जगह को आते रहे। मेरा नाम सुरेश कुमार सोनी है और मैं यहाँ सन 1990 से यहाँ से इस दुकान से मेरा संबंध है। मैं इनका कारीगर हूँ और मैं इनका काम करता हूँ। पहले मेरे पिताजी काम करते थे, वो एक्सपायर हुए, उनके बाद से मैं उनका काम कर रहा हूँ और मेरे ऐसा संबंध आज जो कुछ भी हूँ मैं इनकी वजह से हूँ। और मेरे ये मान लो ये मेरे को बच्चे की तरह मानते हैं और बच्चे की तरह ही मेरे को रखते हैं। मेरा नाम रजनीश गुप्ता है। बाबूजी के पुत्र सतीश हैं, वो मेरे स्कूल के दोस्त हैं और बाबूजी के दुकान में मैं और घर में पिछले 25 साल से आता जाता हूँ। और बाबूजी का जीवन तो आदर्श है, उनका जो भाव है मेरे से मिलने का, वो पुत्र समान है, उनसे बहुत सी चीज़ सीखने की। वो व्यापार, उनकी कड़ी मेहनत और उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो सर्वोपरि है। मेरा नाम मंजूर खान है। बहू जी से मैं जो फैमिली मेंबर समझता हूँ और ये मेरे फादर के दोस्त हैं। मैं करीब 30 सालों से सिर्फ इनके दर्शन ही करने आता हूँ और कोई काम नहीं। बहू जी आपके फैमिली में मेंबर्स कौन कौन हैं? मेरे फैमिली मेंबर में मेरे हम पाँच भाई हैं। एक मैं हूँ, चार मेरे बड़े भाई साहब हैं और सब पांचों भाइयों का परिवार है। मेरे तीन बेटे हैं, तीन बहुएं हैं, मेरे पोते पोतियां हैं और मेरे पूरा हरा भरा पूरा परिवार है। मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ मैं, और पिताजी की जैसे ही उनकी जितनी मेरी जिम्मेदारी सब पे पूरा है। मेरे पिताजी मेरे गुरु हैं, मेरे देव हैं और मैं उनको हर जन्म में ही पिता के रूप में देखना चाहूँगा। पिताजी हम सबको बहुत प्यार करते हैं और मुझे भी बहुत प्यार करते हैं और वो हमारा सबका ध्यान रखते हैं। उन्होंने बहुत शुरुआत से ही मुझे एक अपने पैरों पे खड़े होने के लिए एक जिम्मेदारी के हिसाब से मेरे को अलग से व्यापार दे दिया था और उन्होंने शुरू से हमें इसी तरह की शिक्षा दी है
यही चीज़ समझाई कि जो भी बड़े भाई काम दे बताए उसको पूरा करें। मैं इस घर में सबसे छोटा हूँ, परिवार में सबसे छोटा सदस्य हूँ। मेरे दो बड़े भाई हैं, मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी से बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, व्यापार में उनका पूरा समर्थन रहता है। मुझे कई प्रकार की समस्याएं व्यापार में आ जाती है, घर परिवार के काम में आ जाती है, सरकारी काम में बाधाएं आ जाती है, तो उनका मुझे भरपूर सहयोग मिलता है। पापा जी के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मैं पापा जी को बहुत मानती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। पापा जी भी मुझे एज अ बड़ी बहू बहुत मानते हैं, और मैं एज अ बड़ी बहू होने के नाते सबका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती हूँ और सब लोग का ख्याल भी रखती हूँ। लेकिन मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती है या मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं डायरेक्ट पापा जी के साथ बात करके शेयर करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। पापा जी मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है इस फैमिली। उनके लिए जैसे घर की बच्चा पार्टी है वैसे ही मैं हूँ। वो मुझे एक बच्चे के रूप में ही ट्रीट करते हैं। उनके लिए मैं बहू के लिए नहीं, बच्चों के हिसाब से वो एक अपनी बच्ची ही मान के चलते हैं। मेरा नाम निर्मल खंडाका है। मैं इस घर की सबसे छोटी बहू हूँ। वैसे तो पूरी घर की जिम्मेदारियाँ मेरी दोनों भाभियाँ संभालती है, पर मैं सबसे छोटी हूँ इसलिए मेरे पर कोई खास जिम्मेदारी नहीं है। पर फिर भी कोई काम मुझे बताया जाता है, कोई जिम्मेदारी मुझे दी जाती है, तो मैं उसे पूरी ईमानदारी से मैं ही देखती हूँ और पूरा करने की कोशिश करती हूँ। दादाजी हमारी जान है, लव यू दादाजी। अच्छा, आप अपने बिजनेस और काम के बारे में कुछ बताइए। मेरे बिजनेस के मैं क्या बताऊँ, बिजनेस तो मैं शुरू 15 साल की उम्र से करता आ रहा हूँ और खूब बढ़िया चांदी और सोने का जेवरात का खूब बढ़िया काम कर रहा हूँ। पहले भी कर रहा था और आज भी मैं कर रहा हूँ। अभी भी किसी प्रकार की कोई व्यापार में कमी नहीं है। और मेरे पास पहले देहात के आदमियों का भी व्यापार था, अब शहर के व्यापारियों का, शहर के कस्टमरों का काम है और खूब बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं। इस व्यापार में उछाल देखने का तो यह शादियों के सीज़न में भी मिलता है और दीपावली के सीज़न में भी मिलता है। त्यौहार पे शादियाँ होती है तो हर गांव में, कम से कम हर गांव में हर जगह 5-5, 10-10 शादियाँ होती है। तो खैर दीपावली तो सीजन का भी मुकाबला नहीं करता है, पर दोनों ही बराबर है। दीपावली का व्यापार भी बढ़िया होता है और शादियों का व्यापार भी बढ़िया होता है। पहले क्या था, सोने चांदी के भाव कम थे, अब चांदी सोने के भाव बढ़ चढ़ करके हैं। इसलिए पहले जितना जो व्यापार होता था उससे आज 50 गुना व्यापार बढ़ गया, क्योंकि पहले 100 रुपये तोड़ा सोना था, आज सोना 55,000 रुपये के भाव है। इसलिए काफ़ी परिवर्तन हो गया, पहले के बिक्रे में आज के बिक्रे में खूब भारी परिवर्तन हो चुका है। पहले लोग हाथ से गढ़ा करते थे और खूब मन लगा के करते थे, बढ़िया से बढ़िया डिजाइन निकालते थे, बढ़िया बढ़िया जड़ाई करते थे, बढ़िया से बढ़िया कुंदन का काम करते थे। वो कारीगरी तो आज है भी नहीं, पर अब मशीनरी का युग है। अब सारे काम, पहले जो काम एक महीने में होता था वो आज 1 वीक में हो जाता है। मशीनरी आ गई, मशीनरी का युग है, सारा काम बड़े से बढ़िया मशीनरों से हो रहा है। जयपुर की ज्वेलरी में ये खासियत है साहब, बाहर जगह जो है ना, तो जड़ाई का काम होता है, ना कुंदन का काम होता है, ना मीने का काम होता है। यहाँ हमारे राजस्थान जयपुर शहर के अंदर मीने का काम भी है, जड़ाई का काम भी है और बहुत बढ़िया काम है। हर कारीगर मन से लगा करके कुंदन का, जड़ाई का काम करते हैं। ये जड़ाई का काम बाहर गाँव में कहीं नहीं होता है, इसलिए लोग बाहर के टूरिस्ट लोग भी जयपुर से, राजस्थान से सामान परचेज करके बाहर ले जाते हैं और काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं जो जयपुर के सामान को पसंद करते हैं और ख़रीद के ले जाते हैं। हमारी 3-4 पीढ़ी से यही चांदी सोने का व्यवसाय चलता आ रहा है। जब से हमारे दादाजी करते आ रहे हैं, दादाजी के बाद पिताजी कर रहे हैं, पिताजी के बाद हम 5 भाई लोग कर रहे हैं और बढ़िया व्यापार है और आगे भी इसी व्यापार पर ध्यान है। क्योंकि चांदी सोना एक ऐसी चीज़ है, ना कभी सिड़ती है, ना कभी बूझती है, ना कभी ख़राब होती है। बिके या नहीं बिके, इसके दाम हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। इसलिए चांदी सोने के व्यापार से मैं समझता हूँ कोई बढ़िया व्यापार नहीं है। चांदी सोना जब भी बेचें, जब पैसे तैयार है, आधी रात को बेचो तो सोने की चांदी की कीमत मिल जाती है, कहीं मना दी नहीं है। इसलिए चांदी सोने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और चांदी सोने की आज के ज़माने में वैल्यू है। आपकी लाइफ में कौन कौन से ऐसे पल रहे हैं जिन्होंने आपके मन पे कोई गहरी छाप छोड़ी हो? मेरे लाइफ में मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम देखे हैं, मेरे पिताजी के टाइम से, दादी जी के टाइम से। मेरे पूज्य दादी जी जो थी, एक दीक्षा लेके साध्वी हो गई थी, तो उन्होंने कहा था एक भगवान की मूर्ति विराजमान करो, तो हमारे निज मंदिर में हमने हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से पार्श्वनाथ भगवान की एक मूर्ति विराजमान करी थी। उसके बाद जो है हमारे गुरुदेव को हम बाहर कोल्हापुर से हम जयपुर लेके आए थे, उसमें लाने में भी हमको करीब 6 महीने लगे थे और 6 महीने ही पहुँचाने में लगे थे और काफ़ी, और साल भर यहाँ उनका रुकने का आशीर्वाद मिला। और तब से उसके बाद जब आचार्य गुरुदेव देशभूषण जी महाराज कोल्हापुर चले गए, उसके बीच में कई आचार्य साधु लोग आए, उनका मैंने बहुत मन से खूब चतुर्मास कराए,
चतुर्मास का पीरियड होता है 4 महीने का, 4 महीने की बजाय हमने उसको साल भर रोका और रोक करके जहाँ वो जाना चाहते थे वहाँ पहुँचाने का कोशिश किया। जब से गुरुदेव आते हैं तब से हम चतुर्मास में पूरे तन मन से सहयोग करते हैं। मैंने सुना है आप समाज सेवाओं में बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं। अभी 2007 के अंदर बालाचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज का हमने चतुर्मास कराया, 2000 के बाद 2009 में आचार्य गुंडनंद जी महाराज का चतुर्मास कराया, 2012 में आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज का चतुर्मास कराया। इसके पहले मैं भूल गया बोलते हुए, पहले हमने 92 में जो है गणेंद्राचार्य कुंड सागर जी महाराज का चतुर्मास कराया, जो हम रोहतक रिवाड़ी से जयपुर लेके आए थे, फिर उनको हम उदयपुर अनिंदा पार्श्वनाथ पहुँचाया था। उसके बाद में हमने आचार्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज का हमने चतुर्मास कराया और करीब करीब वो साल भर यहाँ हमारे जयपुर में रहे। यहाँ से फिर हमने उनको अलवर तिजारा पहुँचाया, अलवर तिजारा से हमारे भतीजे ने उनको दिल्ली पहुँचाया। ऐसे सब साधुओं की हम सेवा करते हैं। और 2012 में हमने बोल दिया विराग सागर जी महाराज का चतुर्मास कराया, 2012 के बाद भी हमने कई साधु साधुओं का हमने चतुर्मास कराया, तो हमेशा यही रहती है कोई भी साधु संत आवे हम उनकी सेवा में लग जाते हैं। अभी भी हमने 2019 में आचार्य गुरुदेव के शिष्य हैं आचार्य सुनील सागर जी महाराज, हम उनको जयपुर लाने में थे पर थोड़ा टाइम शॉर्ट रह गया तो उन्होंने उदयपुर में ही चतुर्मास कर लिया। उसके बाद भी अभी 2020 में भी हमारा तय हो गया था आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज को लाने का, पर ये कोविड के कारण उनको नहीं आए, उनको वहीं रुकना पड़ा। इसलिए अब भी आगे भावना यही है कि हम आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज को जयपुर में लाके धर्म प्रभावना करना चाहते हैं और जयपुर शहर के सारे लोग उत्सुक हैं कि कैसे आचार्य श्री जयपुर आवे, पर उनको लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब अगला चतुर्मास तो आज के जुलाई माह आएगा, तभी वो जयपुर उसके पहले आएंगे, पूरी कोशिश है उनको जयपुर लाने। तो दोस्तों आज के रियल स्टार से मिलकर के आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगली बार हम किसी नए स्टार के साथ मिलेंगे, उसकी नई कहानियों के साथ मिलेंगे, उसके नए एक्सपीरियंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।